तो दोस्तों, मैं शशि दावते दोस्त में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मैं लेकर एक रेसिपी आई हूँ यूपी की बहुत ही फेमस, जी हाँ, आलू चाट की रेसिपी। और ये आलू चाट की रेसिपी एक बार जरूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और जो इन्होंने टेस्ट किया है, खाया है, तो उनको तो प्रॉपर इनका स्वाद पता है। मतलब चाट का मतलब कि इतना ईजी, आसान, जल्दी और सस्ता भी, मतलब सारी चीजें जो है आपको इस रेसिपी में मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और तीखा चटपटा बिल्कुल बनाते हैं बढ़िया आलू चाट रेसिपी। जो बनेगा आलू चाट का कॉम्बिनेशन जो है धनिया के साथ होगा, और बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो है धनिया मैंने ले रखा है और धनिया बिल्कुल फ्रेश है। और धनिया लेते वक्त हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि हमने ज्यादातर धनिया के पत्ते का यूज किया है, लीव्स लिया है, इसके स्टेम्स को हमने यूज नहीं करना है इसमें, ताकि वो जो कलर और प्रॉपर टेक्सचर जो है अच्छे से चाट में आए। और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में जो है बनाएंगे, ये यूपी की बहुत ही फेमस डिश है धनिया आलू चाट। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और इसके अंदर जो है ये सारे हम एक मुट्ठी के बराबर जो पूरा भर के बंच है हम धनिया ढेर सारा लिया है, तो धनिया इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही जो है 1 इंच अदरक है, तो अदरक हम डाल देंगे। और स्पाइस के बारे में ये बोलूंगी कि आपको जितना पसंद हो, मतलब बहुत लोगों को कम तीखा पसंद होता है तो उस हिसाब से ले ले। तो मैंने यहाँ पे मिर्च जो है ना 3 ले रखा है, तो ये तीनों मिर्च जो है इसके अंदर जाएगा। तीनों मिर्च हमने इसके डाल दिया और थोड़ा सा इसके अंदर जो है हम पानी ऐड करेंगे। हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे जो है पेस्ट बना लेंगे। तो ये अभी इतना पीस चुका है, तो इसके अंदर हम कुछ चीजें और ऐड करेंगे, जिसमें है ये आधा चम्मच जो है जीरा है वो हम डालेंगे। साथ ही जो है ये रेगुलर नमक है, ये भी हम थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा टेस्ट को बढ़ाने के लिए और एक नमक डालेंगे, जी हाँ, ब्लैक नमक, काला नमक वो हम डाल देंगे। और इसको जो है एक फाइन पेस्ट बिल्कुल तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल जो है हमें बिल्कुल धनिया का जो है इस तरह से बिल्कुल कलर देखिए कितना बढ़िया है, ग्रीन है। तो इस तरह से बिल्कुल हमें पेस्ट बना लेना है। तो इसको हम रखते हैं साइड में और अब चलते हैं चाट प्रिपरेशन की तरफ। तो यहाँ पे जो है मैंने 3 आलू ले रखे हैं और 3 आलू को बीच से काट के हमने पहले बॉईल कर लिया है आलू को। और बॉईल इतना करना है कि जैसे हम आलू के पराठे के लिए आलू बॉईल करते हैं ना, उतना वैसा ही बॉईल करना है, ओवर कुक हमें नहीं करना है आलू को। तो यहाँ पे जो है आलू को हम जो है पीसेस बना लेते हैं पहले, आलू के जो है हम पीसेस बना लेते हैं। और पीसेस भी आप इसी तरह बनाएंगे क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल में जो ये चाट बनती है ना, तो पीसेस भी इसी तरह से रहता है स्क्वायर शेप में। और इसको जो है हम इसमें सारे पीसेस को डालते जाएंगे। जो है कट के जो पीसेस से तैयार हो चुके हैं और इसमें जो है सबसे पहले जो है हमने ये धनिया जो पीस के डाला है वो इसके अंदर डालेंगे। साथ ही इसके अंदर जो है अमचूर पाउडर है वो जाएगा, ये जो खटाई वाली आम होती है ना उसी का पाउडर, अमचूर पाउडर डालेंगे, ये 1 छोटा चम्मच है। और साथ ही इसमें जो है 1 नींबू का रस डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चाट बहुत ही चटपटा, लाजवाब होने वाला है, तो जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब इसमें अभी क्या करना है कि अभी हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए सबसे पहले जो है मैंने ये लीड वाला इसीलिए इसमें शिफ्ट कर लिया कि अब यहाँ पे लीड लेंगे, या कोई और भी बर्तन ले सकते हैं, और इसको जो हम अंदर जो है इस तरह से शेक कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर जो है ये हमने जीरा को और काली मिर्च को अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लिया, तवे पे भून लिया, उसके बाद इसका पाउडर बना लिया, इसमें जाएगा। और फिर से हम सारी चीजों को एक बार जो है मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, है ना बनाना कितना आसान और कितना जल्दी झटपट ये बन गया हमारा आलू चाट धनिया वाला। तो जरूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अगर पसंद आई, वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।